हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि नवरात्रि चल रही है और ये हमने साबूदाना भिगो दिया था रात भर के लिए। बहुत अच्छे से फूल गया है और जितना साबूदाना लें उतना ही पानी लें तो बहुत खिला खिला बनेगा। और इधर इंडक्शन पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें दो तीन चम्मच हम घी डाल रहे हैं। घी से बनाएंगे, आप चाहें तो मूँगफली का तेल जो भी खाते हों उससे बना सकते हैं। और घी पिघल गया है। चलिए अब एक चम्मच इसमें हम जीरा डालते हैं। जीरा घी गरम है, जीरा चटकने लगा है। ये खिचड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप बिना व्रत के भी बना के खा सकते हैं। हरी मिर्च को हमने डाल दिया है जो कट करके रखा था, इसको भी थोड़ा भून लेते हैं। कभी भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। और ये उबला हुआ आलू है, मैंने बॉयल करके रखा था, आप कच्चा भी ले सकते हैं लेकिन कच्चा थोड़ा पकाना पड़ेगा यहाँ पे पहले ही। और ये बॉयल डाली है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और इसको हम ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा तब तक इसको भून लेते हैं आलू को। चलिए तब तक इसके लिए खिचड़ी के लिए चटनी बना लेते हैं। बिना चटनी के तो थोड़ा फीका लगता है। आधा टमाटर हम चटनी बनाने के लिए यूज करेंगे और आधा खिचड़ी में डालेंगे। चार मिर्च हरा ले लिया है और हरा धनिया और ये मूंगफली के दाने। मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे भी बना के कभी खा सकते हैं। और नींबू का रस डाल लेंगे इसमें क्योंकि जब खट्टा तीखा चटपटा होगा चटनी तो तभी खाने में मज़ा आती है। और व्रत में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हम डाल सकते, ये काली मिर्च है 5-6 और सेंधा नमक 1 चम्मच। और चलिए चटनी बना लेते हैं। तब तक इधर आलू भी फ्राई हो गया है, थोड़ा आलू हमने निकाल लिया है बच्चों के लिए। और ये साबूदाना खिचड़ी साबूदाना हमने डाल दिया है और इसको हमें बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि भीगा हुआ है साबूदाना तो ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। और इसको ऐसे उलट पलट के पका लेंगे। देखिए नीचे आलू की लेयर बन गई है, ऐसे चलाते रहेंगे इसको। और इसको धीमी ही फ्लेम पे पकाना है। टमाटर हमने डाल दिया है, पहले नहीं डाला था, ये तो साबूदाना गीला हो जाता। अब थोड़ा पक चुका है हल्का, अब डाल देते हैं। टमाटर तो बहुत जल्दी पक जाता है, साथ ही में पक जाएगा। और ऐसे हमें चलाते रहना है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नमक है 1 चम्मच, इसमें ये हरी मिर्च और काली मिर्च और जीरा डाल के हमने इसे पीस के रख लिया है, सेंधा ही नमक है ये। और देखिए अब ये पकने लगी है, हमने इंडक्शन को ऑफ कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म रहेगा तो ज़्यादा वैसी हो जाएगी खिचड़ी। और ये बन चुकी है और इसमें ये जो हमने मूंगफली के दाने क्रश करके रखे थे वो डाल देंगे। ये इसमें पड़ जाता है तो खाने में बहुत क्रंची क्रंची लगता है, अच्छा लगता है खाने में। और कुछ हमने साबुत दाने ले लिए हैं और कुछ को हमने क्रश किया है, आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। और हमने ऐसे कूटा है पोखली में और इसको भी मिक्स कर दिए हैं। खिचड़ी बन के तैयार है, ये बहुत झटपट बन जाती है, आप कभी भी बना के खा सकते हैं इसको। और अब धनिया पत्ती डाल देते हैं। धनिया पत्ती से देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छी लगती है। फिर से मिक्स कर देते हैं और चलिए अब सर्व कर लेते हैं। ये मूंगफली दाना जो बच गया है सारा डाल देंगे, थोड़ा बचाए हैं। और एक नींबू डाल देते हैं, नींबू से तो और भी अच्छा लगता है खाने में।
आप चाहें तो यहाँ पे चीनी भी 1 चम्मच डाल सकते हैं इसमें, उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। और व्रत में बहुत मसाले तो नहीं पड़ते हैं, बस ऐसे ही बनाइए और बहुत टेस्टी लगती है। चलिए अब सर्व कर लेते हैं। देखिए खिचड़ी बन चुकी है और इसमें थोड़ा धनिया डाल देते हैं और जो मूंगफली के दाने बचाए थे वो भी डाल देते हैं, और क्रश किया हुआ भी मूंगफली है। और इसके साथ सलाद बनाए हैं, खीरा, क्योंकि पानी की कमी ना व्रत में हो। और चटनी जो हमने बनाई थी चटनी को भी निकाल लेते हैं, या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं। देखिए ये चटनी भी हमने ले ली है और ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी, चटनी के साथ खिचड़ी। लीजिए फ्रेंड्स, मेरी खिचड़ी बनके तैयार है, आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। सभी को हैप्पी नवरात्रि। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए।